हेलो एवरीवन, दिस इज योगिता। वेलकम टू अवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। तो गाइस, क्या आप भी एक ऐसा फ्लैट देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशियस फ्लैट्स हो और अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ हो? तो आज मैं आप लोगों को वहीं पर लेकर आई हूँ जिस प्रोजेक्ट का नेम रहेगा रोजिएट होम, एक स्मार्ट होम का कंसेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन डिस्क्राइब करना चाहूंगी। ईस्ट VIP रोड पर रहेगा, नियर टू योर अम्बाला चंडीगढ़ रोड। अगर हम इसके हॉटस्पॉट्स की बात करें तो यहाँ पे नियर बाय आपको गुरुकुल स्कूल मिल जाएगा, मानव मंगल स्कूल मिल जाएगा, मेट्रो एक ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगा और एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपका कॉस्मो मॉल भी यहाँ पे रहेगा। एंड अगर हम यहाँ की इन्वेंट्री और ऑप्शंस की बात करें तो 3 BHK के 2 sizes गाइस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे, 1620 स्क्वायर फीट एंड 1950 स्क्वायर फीट। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की मेन एंट्रेंस। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं अपनी मेन एंट्रेंस पे। तो गाइज, एक ही एंट्री एंड एग्जिट रहेगा आपकी पूरी सोसाइटी का। एंड अब आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपनी सोसाइटी को, जो कि टोटली 7.5 एकर्स की सोसाइटी रहेगी। तो आइए मेरे साथ। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी की अमेनिटीज़ की, आपको अमेनिटीज़ क्या ऑफर हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लब हाउस की, जिसमें आपको इंडोर गेम्स, जिम, पार्टी हॉल, योगा सेंटर सब कुछ अवेलेबल रहेगा, विद लिफ्ट रहेगा आपका जो है क्लब हाउस रहेगा। एंड इसमें आपको एक पूल की फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। तो मैं आपको यहाँ की एक स्पेशलिटी दिखाना चाहूँगी, यहाँ की जो है रोड्स की। सो गाइज, ये आप इंटरनल रोड्स देख सकते हैं, 65 फीट वाइड जो आपको इंटरनल रोड्स मिल रही है, जो कि बहुत ही कम प्रोजेक्ट में देखने को आपको मिलेगी। इसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा। यहाँ से आप एंटर करेंगे गाड़ी तो यहाँ से आपकी आउट रहेगी। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, यहाँ का पार्किंग एरिया गाइस, 2-sided ओपन आपका पार्किंग एरिया रहेगा। एक गाड़ी की कवर्ड कार पार्किंग जो है आपको यहाँ पे अलॉट की जाएगी, वो भी कवर्ड रहेगी। और जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो S+4 का कंसेप्ट यूज़ किया है विद लिफ्ट। तो गाइस आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं अपना सैम्पल फ्लैट, जिसका साइज रहेगा 1950 स्क्वायर फीट का एरिया, 3 BHK। आइए। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट की मेन लोकेशन पे। तो एक फ्लोर पे आपके पास 2 apartments रहेंगे। एंड मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं लिफ्ट एरिया, ये भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। साथ में मेरे सामने जो है स्टेयर केस का ऑप्शन, ये भी आप भी असेस कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम मेन एंट्रेंस अपने फ्लैट की। तो एज इट इज़ आपको जो है मेन डोर मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक स्मार्ट होम का कंसेप्ट है, तो यहाँ पर आपको डिजिटल लॉक मिल रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर। सो गाइज, जैसे ही हम फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ड्राइंग एरिया। तो अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो ये 12x12 का साइज़ रहेगा। एक मैं ये कहूंगी कि एक रूम साइज़ जितना जो है आपको इंडिविजुअल आपका ड्राइंग एरिया मिल रहा है। इसमें जो सिटिंग की हुई है वो टोटल 10 seater के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही ब्यूटिफुली इसको डिज़ाइन किया हुआ है। और साथ में इसका जो स्पेस रहेगा वो भी बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। एंड साथ में अगर हम बात करें वॉल्स की, तो वॉल्स पे भी POP वर्क का इन्होंने जो है डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपको AC की डक्टिंग मिल जाएगी। एंड फॉल सीलिंग भी आपको एज इट इज़ गाइज यहाँ पर मिल रही है, जो ब्यूटिफुल सा शैंडलियर यहाँ पर यूज़ किया है ताकि आपकी लाइटिंग और आ जाए। तो आप भी कुछ ऐसे तरीके जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड बैक पे आप जो देख रहे हैं मेरे, ये आपकी बालकनी रहेगी, तो ये आपकी फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी, तो हम इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। तो डाइनिंग एरिया में जो इन्होंने इंस्टॉल किया है गाइस, 6-seater इंस्टॉल किया है डाइनिंग सेट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका जो साइज रहेगा वो 12x14 का साइज रहेगा। बहुत ही अच्छा स्पेस जो आपको डाइनिंग एरिया में मिल रहा है। एंड अगर आप चाहें तो यहाँ पे 10-seater भी अगर आप यूज़ करेंगे डाइनिंग सेट, तो तब भी आपको स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं फील होगी। एंड जो इंटीरियर और डेकोरेशन की हुई है डाइनिंग एरिया की, वो भी बहुत ही अच्छी की हुई है। सामने जो है मिरर्स का यूज़ किया हुआ है। एंड इस और काफ़ी अच्छे तरीके से इसके एरिया को कवर अप करने की इन्होंने जो है कोशिश की है। यहाँ पे ग्लास का यूज़ करके इन्होंने जो है एक मिनी बार सेटअप किया हुआ है। तो आप भी कुछ ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं इस एरिया को कवर अप करने के लिए।
एंड अगर मैं सामने वॉल की बात करूँ तो यहाँ पे भी मिरर प्लेस करके डिफरेंट एंटीक्स यूज करके नीचे स्टोरेज का सेक्शन दे रखा है, तो इससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आप भी कुछ छोटा मोटा सामान जो होता है वो सारा इंटरनली स्टोर जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्पेस का यूटिलाइजेशन जो है बहुत अच्छा किया गया है। एंड हम अगर फॉल सीलिंग की बात करें यहाँ पे तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन की हुई है, और एज इट इज़ आपको फॉल सीलिंग विद लाइट्स जो है मिलने वाली है, और एक ब्यूटीफुल सा शैंडलियर यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है अगेन फॉर द लाइटिंग पर्पस और डेकोरेशन के लिए, आप भी ऐसे जो है यूज़ कर सकते हैं। अब एक आ जाता है हमारे पास जो स्पेस पूजा रूम का या स्टोर का एज पर योर चॉइस, जैसे इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है एज अ पूजा रूम, तो आप भी पूजा रूम की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टोर रूम की तरह चाहते हैं तो इसको कवर अप करके स्टोर रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखा था आपने हमारा ड्राइंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया। सो गाइज अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो किचन जो है गाइज पहले डिज़ाइन की हुई है, और जो इसका साइज़ रहेगा 7.5x10 का रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से ही, तो दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं पार्टीशनिंग की हुई है डाइनिंग एरिया को किचन के साथ। तो कुछ आइडिया आप भी ऐसे कर सकते हैं कि पार्टीशनिंग कर सकते हैं जिससे इसको और ब्यूटीफुल लुक जो है आ सकती है। एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले रेफ्रिजरेटर का स्पेस आ जाएगा। आपको आइडिया लग रहा होगा कि बड़े से बड़ा रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे ईजिली प्लेस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस आ जाएगा OTG एंड माइक्रोवेव का। एज इट इज़ आपको पेंट्री सेक्शन मिलेगा, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टोरेज करने के। एंड इसके बाद आपकी आ जाती है वेट किचन, जिसमें आपको ड्यूल सिंक जो है यहाँ पे मिल जाएगी, एंड ऊपर यूटेंसिल्स के लिए भी आपके पास स्पेस आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मेरी राइट हैंड साइड की तरफ जो है आपको चिमनी आप एज इट इज़ जो देख रहे हैं वो आपको बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपका होप का स्पेस आ जाएगा, एंड ये आपका जो स्लैब रहेगी ये ग्रेनाइट मार्बल के साथ रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटम कैबिनेट्स के बारे में, तो ये जो है गाइस सॉफ्ट क्लोजर के साथ कैबिनेट्स रहेंगे आपके, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड जो अपर कैबिनेट्स रहेंगे वो भी आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस किचन की ये लगी, ये फुली लोडेड किचन रहेगी गाइस। ऊपर भी आप डिफरेंट सेक्शंस देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास स्टोरेज की आपको कोई भी कमी यहाँ पे नहीं आएगी। इतना अच्छा यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज के ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसी के साथ जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये आपकी बैक बालकनी रहेगी, जो कि एक रनिंग बालकनी रहेगी आपके बेडरूम्स के साथ भी अटैच, तो हम नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज ये थी हमारी किचन, एंड किचन के बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारे दो बेडरूम्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला बेडरूम, तो आइए चलते हैं। तो गाइज ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, जिसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 10x13 का इसका साइज़ रहेगा। बहुत ही अच्छा साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेंटर में बेड प्लेस किया हुआ है, उसके बाद साइड टेबल्स का भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है दोनों तरफ, और काफ़ी अच्छा स्पेस जो है यहाँ पे जो है बच रहा है। तो और अगर आप कुछ चाहें तो वो भी डेकोरेटिव आइटम्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस इस रूम का आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर हम बैक वॉल की बात करें तो ग्लास का यूज़ करके इसकी लुक्स को और इंक्रीज़ किया गया, और ही ब्यूटीफुल जो है लुक ये दे रहा है। तो गाइस एक सैम्पल फ्लैट है, तो आपको भी आइडियाज़ मिल रहे हैं कि आप अपने घर को कैसे कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाती हैं आपकी वार्डरोब्स, तो ये भी आप स्पेस देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। एंड जो जितनी भी वार्डरोब्स रहेंगी गाइज, ये सारी लैमिनेटेड वार्डरोब्स जो हैं आपको मिल रही हैं, फुल हाइटेड की आपको वार्डरोब्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम सामने वाली वॉल की भी बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा LED पैनल। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से LED पैनल को जो है डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे स्टोरेज के ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर आपका LED प्लेस हो गया। साथ ही साथ स्टोरेज के ऑप्शन के लिए जो ब्लैक कलर का और इन्होंने ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा थीम जो है इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। स्टोरेज के ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है गाइस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे डिफरेंट एंटीक्स से आप यूज़ कर सकते हैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। एंड इसी के साथ आपका अटैच्ड वॉशरूम भी रहेगा, तो वॉशरूम का भी स्पेस जो है काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। फुल हाइटेड की आपको टाइल्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी की सारी आपको ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पे मिल रही हैं, और साथ में गीज़र भी आपका इंक्लूड रहेगा, एंड सेल्फी मिरर भी आपको जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है एज इट इज़। अब हम चलते हैं इसकी बालकनी में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि ये जो फ्लैट है टू साइडेड ओपन फ्लैट है, तो प्रॉपरली फ्रंट में भी आपको बालकनी मिलेगी एंड बैक में भी आपको बालकनी मिलेगी, तो प्रॉपरली क्रॉस वेंटिलेशन जो है इसका होता रहेगा। तो अब भी हम चलते हैं इसकी बैक बालकनी में, जो कि एक कॉमन बालकनी रहेगी आपकी।
सो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि कॉमन बालकनी रहेगी, तो दोनों बेडरूम्स और किचन के साथ ही आपकी रनिंग बालकनी रहेगी। एंड जो ग्रिलिंग की हाइट जो दी हुई है इन्होंने बहुत अच्छी हाइट दी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ द सेफ्टी, आपकी ध्यान रखते हुए काफ़ी अच्छी हाइट आपको ये मिल जाएगी। तो ये बैक बालकनी है तो आप इसको जो है वॉशिंग एरिया की तरफ यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको बालकनी में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स भी करना चाहें तो वो भी ईजिली कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ जो कि बिल्कुल आपके फर्स्ट बेडरूम के अपोजिट रहेगा। सो गाइज ये रहेगा आपका सेकेंड रूम, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। बिल्कुल सेम साइज रहेगा आपके फर्स्ट बेडरूम की तरह, 10x13 का, बिल्कुल उसकी कॉपी ही मैं कहूँगी, बस डिफरेंट जो है आपको कलर थीम यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो है बेड प्लेस हो गया सेंटर में, दो साइड टेबल्स यहाँ पे जो है इंस्टॉल कर दिए हैं, तब भी काफ़ी अच्छा स्पेस जो है इस रूम को मिल रहा है। मतलब आपको मैं ये कहूँगी कि आपको स्पेस की कमी नहीं होगी बिल्कुल भी इस घर के अंदर। एंड जो वार्डरोब्स रहेंगी यहाँ पे भी लैमिनेटेड वार्डरोब्स जो है आपको मिल रही हैं, आप स्पेस देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्पेस जो है आपको वार्डरोब्स के अंदर जो है मिल रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंट सेक्शंस जो हैं आपको मिल जाएंगे ताकि स्टोरेज की आपको बिल्कुल भी कमी ना हो। एंड यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी बालकनी रहेगी, कॉमन बालकनी रहेगी। एंड इसके अलावा जो हमारा आ जाता है एलईडी पैनल का सेक्शन, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एलईडी पैनल को डिज़ाइन किया हुआ है। आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे आपने एलईडी पैनल को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे एलईडी प्लेस कर दी है, नीचे डिफरेंट एंटीक्स को, प्लांट्स को या फैमिली फोटोग्राफ्स को भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ वुड वर्क का भी टच देने की कोशिश की है। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेड की बैक वॉल को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा कलर कॉम्बिनेशन जो है थीम को यहाँ पे यूज़ करते हुए किया है। तो आपको गाइस आइडियाज़ मिल रहे हैं कि आप अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, प्लस आपको साइज़ का पता चल रहा है कि बेड प्लेस करने के बाद आपके पास कितना साइज़ जो है बच जाएगा। तो बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ अटैच रहेगा वॉशरूम। अगेन गाइस बहुत ही अच्छा साइज आपको मिलेगा वॉशरूम के अंदर। फुल हाइटेड की जो है टाइल्स यूज़ की गई है, जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी। आपको सेल्फी मिरर यहाँ पे मिल रहा है, गीज़र आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल वॉशरूम्स के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइस आइए चलते हैं थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, इवन मैंने भी अभी नोटिस की कि अगर कोई भी गेस्ट जो है यहाँ पे अगर आपके आते हैं तो प्रॉपरली आपके रूम्स की जो है प्राइवेसी मेंटेन की हुई है। तो बहुत ही अच्छा लेआउट भी ये रहेगा और काफ़ी अच्छा साइज़ में आपको ये चीज़ें जो है मिल रही हैं। तो आइए चलते हैं अपने लास्ट बेडरूम में। सो गाइज़ ये आपका रहेगा थर्ड बेडरूम। तो सबसे पहले मैं साइज़ की बात करती हूँ, तो 11x12 का इसका साइज़ रहेगा। अगर आप चाहें तो इसको किड्स रूम की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं या गेस्ट रूम की तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्पेस आप देख सकते हैं बेड प्लेस करने के बाद, अगेन साइड टेबल्स यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा स्पेस जो है यहाँ पे इस रूम में भी आपको मिल रहा है। एंड पीछे जो बैक वॉल पे भी इन्होंने बेड इंटीरियर किया है वो भी काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है। गाइस क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि हर रूम में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर थीम्स को यूज़ किया है? तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। जो वार्डरोब्स यहाँ पे हैं उसका भी सेम लेआउट रहेगा, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे जो है मिल रहा है वार्डरोब्स के अंदर। एंड इसके बाद हमारी आ जाती है एलईडी पैनल की। यहाँ पे जैसे बिल्कुल फ्रंट में आपका एलईडी प्लेस किया हुआ, नीचे इन्होंने सेक्शंस बना दिए हैं, ड्रॉर्स बना दिए ताकि स्टोरेज के आपको कोई इशू ना आए। एंड इसके साथ आपका अटैच्ड वॉशरूम भी रहेगा, जिसमें भी अगेन आपको गीज़र एंड सेल्फी मिरर जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फुल हाइटेड की आपकी टाइल्स रहेंगी और जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी और विद अ वेरी गुड स्पेस जो आपको वॉशरूम्स में जो है मिल रहा है। एंड इसके साथ लास्ट चीज़ जो हमारी रह गई है फ्रंट बालकनी को देखना, तो आइए चलते हैं। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टू साइड ओपन फ्लैट्स रहेंगे, तो ये आपकी फ्रंट बालकनी रहेगी जिसका काफ़ी अच्छा साइज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, झूला प्लेस कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वाइड आपको बालकनी जो है मिल रही है। एंड जो ग्रिलिंग की हाइट रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। प्लस ये आपकी रनिंग बालकनी और कॉमन बालकनी रहेगी आपके थर्ड बेडरूम के साथ एंड आपके ड्रॉइंग एरिया के साथ।
गाइस ये देखा आपने हमारा 3 BHK का फ्लैट विद द साइज ऑफ 1950 स्क्वायर फीट। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिलेगा विद अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ ये आपका फ्लैट है। तो आई होप कि आपको ये फ्लैट जो है पसंद आया होगा। तो गाइस मैं आपको एक बार फिर से लोकेशन जो है डिस्क्राइब कर देती हूँ। जो लोकेशन रहेगी हमारे प्रोजेक्ट की वो ईस्ट VIP रोड पे रहेगी ऑन अंबाला चंडीगढ़ रोड। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल प्राइस सिटी प्रॉपर्टी गुरु। थैंक यू।